हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बकरी का बकरा ख़रीद के लाई हूँ, वो दिखा रही हूँ। ये मेरा बकरा है, एक ब्लैक और एक ब्राउन, जो बहुत अच्छा है और सेहत तंदुरुस्त वाला बकरा मैंने चुन के लिया। बहुत बड़ा हाई नहीं लिया, हाँ मीडियम साइज़ का मैंने बकरा लिया है। तो ये बकरा मैंने कहाँ से परचेज किया है तो मैं आपको दिखाऊँगी कि ये बकरा मैंने कहाँ से लिया है। तो ये पटना का एक अच्छा खासा बाज़ार, राजा बाज़ार लगता है मार्केट, ये मैंने वहाँ से ये परचेज किया है। और यहाँ बकरा का इतना मार्केट था, इतनी बड़ी मार्केट था, मैंने पहली बार अनुभव किया। क्योंकि मैं अपने जगह में मैं कभी नहीं गई इस तरह से ख़रीदने के लिए, क्योंकि भैया लोग ख़रीदते हैं। और यहाँ मैं पहली बार अपने हस्बैंड के साथ गई ख़रीदने के लिए। तो यह देखिए किस तरह का बकरा है, बड़ा बड़ा और खूबसूरत खूबसूरत, बहुत बड़ा बड़ा और छोटा भी है, हर तरह का, हर साइज़ का भी है, और रेट भी इसका हाई है। तो ये पटना का राजा बाजार है, जहाँ बकरा का बहुत बड़ा बड़ा मार्केट है। आपको दिखाऊंगी मैं, इसमें बड़ा बड़ा बकरा भी है, जिसका देखिए वो ब्लैक कलर का बकरा है। इसका प्राइस उन्होंने 50,000 बोला, और एक बकरा और भी है उसमें, उसका भी उसने हमें 50,000 रुपया बोला। नहीं भाई, मुझे तो इतना बड़े बकरे की ज़रूरत नहीं है। और कुछ बकरे तो इतना खूबसूरत भी थे, जो हिरन के स्टाइल के भी थे, वो भी दिखाऊंगी। और देखिए कुछ बड़ा बड़ा बकरे हैं, बड़े जात के देसी। तो यहाँ पर मैंने करीब बहुत सारे लोग आए हुए थे मैंने बकरीद का बकरा ख़रीदने के लिए। तो उसे मैं भी गई थी, अर्ली मॉर्निंग गई थी मैं, इसलिए भीड़ अभी कम है। जितना लेट से मैं जाऊंगी उतना ही भीड़ हो जाता है। देखिए सब लोग कह रहे थे मेरा बकरा के ले लीजिए फोटो, मेरे बकरे का। देखिए इस तरह का हिरन वाला भी है ना, देखिए हिरन का स्टाइल का भी, देखिए हिरन वाला भी बकरा है, बहुत अच्छा। और ये देखिए इसका भी 50 बोल रहा था, इसका भी 50 बोला था मुझे, तो मैंने वो उतना नहीं लिया। लेकिन हाँ, मुझे अपने रेट के हिसाब से जितना मैं ख़रीदने गई थी उस हिसाब से मुझे मिल गया। देखिए हिरन वाला बकरा, हिरन प्रिंट का, ये खूबसूरत, जितना खूबसूरत उतना ज़्यादा दाम है प्राइस इसका। तो यहाँ से मैंने अपना बकरा ख़रीदा, और बकरा ख़रीदने के बाद मैं और सभी बकरा देखने लगी, जैसा और देख लेती हूँ, कुछ कुछ ले लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ कि मैं पहली बार आई हूँ। तो इस तरह मैंने शॉपिंग करने के बाद हम लोग ऑटो से लेकर के निकल गए अपने घर के लिए। तो ये मैं जहाँ से निकलती हूँ, राजा बाजार होते हुए मुझे बेली रोड के होते हुए जाना था। तो ये देखिए मुझे रोड, हमने सोचा चलो मॉर्निंग का टाइम है तो कुछ मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, फिर ऐसा मौका मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये देखिए बेली रोड का है, लोग अभी ऑफिस के टाइम है, तो बहुत सारे लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। करीब इस टाइम 9:15 हो चुका था, और मेरा काम शॉपिंग हो चुका था तब बकरे का, तो मैं अपना हम लोग निकल गए। तो ये बेली रोड का है, देखिए इस साइड भी ये बड़ी सी बिल्डिंग है, कॉर्मल स्कूल का है, और ये कॉर्मल स्कूल है, उसके बाद वुमेन्स पटना वुमेन्स कॉलेज का भी है, भी आगे मैं दिखाऊंगी। पटना वुमेन्स कॉलेज, सारे स्कूल के बस लगे हुए हैं इस तरह यहाँ पर। ये है पटना वुमेन्स कॉलेज का, और ये ओवरब्रिज यहाँ पर पड़ता है, मैंने जो बहुत ज़्यादा रश रहती है इसमें। और इस साइड आगे चल के थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आपको, ये पटना का हाई कोर्ट है, जस्ट इसकी जैसे आगे में पटना हाई कोर्ट है। देखिए मैं दिखा रही हूँ उसको भी, थोड़ा सा कैप करने का कोशिश किया था मैंने कैमरा से। और ये आ गया वहाँ का विद्युत विभाग, पटना विद्युत विभाग का यह ऑफिस सब है। और इस तरह से देखिए हम लोग निकल गए, और ये अब यहाँ पर आ गया, देखिए मैं अभी बता रही हूँ, ये आ गया आपका इनकम गोलंबर। यहाँ पर हर तरह का सामान यहाँ मिल जाता है, जितने भी तरह का फल उल चाहिए मिल जाता है। तो ये ज़्यादा VIP इलाका कहलाता है पटने का। चलिए मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ से मैं निकली, और यहाँ से होते हुए सामने आपका तारा मंडल पड़ेगा। तो उसे भी मैंने कैप करने का कोशिश किया था, कुछ आया, कैमरा मेरा हिल रहा है, फिर भी कुछ कुछ आने का कोशिश किया, कुछ लिया कुछ चला गया। मैं दिखाऊंगी अभी, जस्ट सामने आ रही है, ये है पटना का तारा मंडल, वो जो सामने बिल्डिंग दिख रहे हैं वो पटना का तारा मंडल है। और इधर से मैं होते हुए म्यूजियम की तरफ मुझे मुड़ जाना था, तो मेरी ऑटो उधर म्यूजियम तक की तरफ मुड़ गई, यहीं पर से हमारा ऑटो। देखिए पूरा पटना में हर दीवार पर, जितना भी सरकारी दीवार है, सभी पर मधुबनी पेंटिंग किया हुआ है, और इस तरह खूबसूरत लग रहा है दिखने में। मेरे पटना को पूरा खूबसूरती से सजाने का पूरा प्रयास किया गया है मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग से, और बहुत अच्छा लगता है देख करके, मन खुश हो जाता है कि इस तरह का पेंटिंग देख करके चारों बगल से। देखिए जिधर भी देखिए हर तरफ आपको पेंटिंग ही पेंटिंग नजर आएगा, स्वच्छ पेंटिंग, ताकि इसे लोग गंदा न करे, कोई थूके नहीं, कोई वहाँ पर यूरिन न करे, इस वजह से पटना को और स्वच्छ सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके खूबसूरती रखने में हम लोग का भी हाथ होना चाहिए, आम पब्लिक भी। ये देखिए पटना म्यूजियम है,
मैं जो दिखा रही हूँ पटना म्यूजियम का, देखिए पीछे से पटना म्यूजियम नजर आ रहा है और इस तरह हमारा टेम्पो मुड़ गया फ्रेजर, ये भी पटना म्यूजियम गया। अब हम लोग फ्रेजर रोड की तरफ जाके निकलेंगे यहाँ पर। तो ये मैं फ्रेजर रोड की तरफ निकल गई। मैंने बकरा खरीदते खरीदते मैं आपको पूरा पटना का थोड़ा सा शॉपिंग करा देंगे। ये पटना का फ्रेजर में विशाल मार्केट आ गया और यहाँ से होते हुए मैं गांधी मैदान की तरफ चली। ये मौर्य लोग होते हुए भी मैं गांधी मैदान के पास पहुँचूंगी। देखिए इस तरह सन्नाटा है क्योंकि 15 अगस्त की भी तैयारी चल रही है, बकरा की यानी बकरीद की भी तैयारी चल रही है। और देखिए अभी मैं गांधी मैदान की तरफ चल रही हूँ। यहाँ से आपको पटना का बिस्कोमान भवन, बिस्कोमान भवन देखिए वो सामने पड़ रहा है। ये मौर्य लोग है और इस साइड मेरा देखिए गोलंबर मोड़ने के बाद मेरा बिस्कोमान यहाँ पटना का चल रहा है। यहाँ पर देखिए पटना का बिस्कोमान भवन है और इधर देखिए ये पैरेट्स का तैयारी कर रहे हैं। और देखिए पूरा गांधी मैदान की भी दीवार पर भी मिथिला पेंटिंग और किया गया है। इस साइड में ही बकरीद का नमाजी पढ़ा जाएगा और उस साइड देखिए सामने तो नजर नहीं आ रहा है तो वो वहाँ पर पल्ला किया हुआ है जहाँ पर पैरेट की तैयारी हो रही है। और इस तरह मैं गांधी मैदान के मेन उद्योग भवन के पास पहुँचने जा रही हूँ। इस सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है ये यहाँ का पुलिस विभाग की बिल्डिंग है, पटना पुलिस विभाग की। और सामने ब्लू बिल्डिंग जो नजर है पटना उद्योग भवन की बिल्डिंग है। मैं पटना के यानी गांधी मैदान करीब करीब पहुंच चुकी हूं, यानी कारगिल चौक में पहुंचने वाली हूं। मैं कारगिल चौक का भी आपको दिखाऊंगी वहां पर का। देखिए ये पटना का मोना सिनेमा हॉल है और यहीं पर देखिए अच्छी पिक्चर लगती है। मैंने ये कारगिल चौक के पास है ये मोना सिनेमा और मैं कारगिल चौक दिखा रही हूँ। मैं कारगिल चौक पहुँच चुकी हूँ और अभी जैसे मेरी मोटो वहाँ पर से टर्न लेगी तो मैं दिखाती। देखिए ये कारगिल चौक है, देख रहे ना कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी अच्छा लग रहा है, कोई शहीद का दिखा रहा है। तो यहाँ पर से मैं टर्न ले लेती हूँ पटना बाकीपुर, यानी यहाँ पर से हमें वहाँ पर भी थोड़ा सा रुकना था सब्जी बाग। तो ये मेरा पटना मार्केट तरफ ये है क्राइस्ट चर्च, यहाँ पर का कैथोलिक चर्च है। यहाँ पर माउंट कार्मल स्कूल है और सब्जी बाग पड़ता है। देखिए चर्च है यहाँ पर। ये पटना सब्जी बाग, अगर कहा जाए कि पटना का मेन मार्केट अगर दिल कहा जाए तो ये सब्जी बाग ही है और पटना गांधी मैदान, मैंने पटना के बीच में गांधी मैदान ही है। तो इस तरह मैं यहाँ पर बाकीपुर तक पहुँच चुकी हूँ, यानी पटना सब्जी बाग तक पहुँच चुकी हूँ। और ये देखिए बाकीपुर पोस्ट ऑफिस से जो बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है ये बाकीपुर पोस्ट ऑफिस है। और इस साइड में दिखा रही हूँ आपको भी सारा दुकान बंद है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, इस टाइम खुलती नहीं। ये सब्जी बाग का है, यहाँ पर आप हर तरह का शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पर से आप मार्केट जा सकते हैं। यहाँ पर का मेन मार्केट आपका पटना का कहा जाए तो यहीं पर है। और इस तरह मैं बाकी पर हो गया और ये पटना कॉलेज था और यहाँ से होते हुए ये पटना यूनिवर्सिटी का भी आ रहा है। देखिए अब दिखाती हूँ मैं पटना यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी के बाद पटना यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आ गया शताब्दी द्वार, वो भी पटना यूनिवर्सिटी के ही अंदर में आता है वो भी। तो ये देखिए ये चला आ रहा है शताब्दी द्वार, मैं दिखाती हूँ। देखिए ये शताब्दी द्वार आ गया, पटना यूनिवर्सिटी का ही है। मैंने जहाँ तक कोशिश किया गया है कि मेरे पटना को अच्छा से अच्छा सजाने का, मैंने नहीं इसका नहीं किया। और ये पटना लाइब्रेरी है, पटना यूनिवर्सिटी का ये लाइब्रेरी है। और ये विदुर संसार यानी पटना यूनिवर्सिटी के जितना भी यहाँ पर कॉलेज है इस तरह से लगा हुआ है। और यहाँ पर पटना साइंस कॉलेज अब आई जी इसके बाद पटना साइंस कॉलेज। मैंने बहुत कोशिश किया जितना जितना कैप करके दिखा सकूँ शॉर्ट में तो वो मैंने किया है। तो ये आ गया पटना सारे जगह पर कॉलेज हर जगह पर बात करेंगे। पटना साइंस कॉलेज आ गया उधर गांधी सेतु पूरे उधर आता है और पटना यूनिवर्सिटी इनायती कॉलेज भी यहीं पर आ गया। ये मेरा महेंद्रू इन कर चुकी हूँ मैं ब्लॉक यहीं तक और मैं घर आ गई। मेरा बकरा घर में बंधा चुका है, ये दो बकरे मेरे ले लिया है और मैं कुर्बानी अच्छे से करने वाली। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अगर बेल आइकन घंटी बिल्कुल दबाना ना भूलिएगा। बकरे को आपका बकरी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए फिर मिलते हैं। ये देखिए मेरा बकरा सब बैठा हुआ है शांतिपूर्वक।